हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखते हैं। मीन, मीडियन और मोड। अब ये तीनों चीज़ें हम किसी डाटा की निकालते हैं। कोई डाटा होगा तभी तो हम किसी का मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हैं। तो डाटा जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा में कोई ग्रुप नहीं होता, और दूसरा जो डाटा होता है वो होता है ग्रुप्ड डाटा। तो इसमें जो डाटा है वो ग्रुप्ड की फॉर्म में होता है। तो छोटी क्लासेस में आप अनग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीख चुके हैं, लेकिन अभी 10th क्लास में आप निकालेंगे ग्रुप्ड डाटा का। तो पहले मीन को समझ लेते हैं कि बेसिकली एक्चुअली मीन क्या होता है। देखिए, मीन का मतलब सिंपली होता है एवरेज, और एवरेज का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया कि 5 दोस्त हैं, उनके पास 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ और 30 रुपीज़ हैं। इन 5 दोस्तों के पास इतने इतने रुपए हैं। अब ये 5 दोस्त आपस में क्या करेंगे कि अपने सारे पैसे को इकट्ठा करके और आपस में बराबर बांट लेंगे, तो उसी को हम एवरेज बोलते हैं और इसी को बोलते हैं हम मीन। तो किसी चीज़ का पूरा इकट्ठा करके और उसको बराबर बराबर कर लेना, यही मीन कहलाता है। अब अगर इसमें हम मीन का फॉर्मूला निकालें, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कितनी चीज़ें हैं उन सब का सम। जैसे यहाँ पर ये 5 है तो इन सब का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब को जब प्लस करेंगे हम, तो 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस में 50 प्लस में 30 अपॉन में 5, क्योंकि ये 5 है ना, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो इन सब का सम आ जाएगा 140। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 28। तो ये 28 रुपीज़ हैं। ये क्वेश्चन रुपीज़ का था ना, मैंने कहा था कि दोस्तों के पास रुपए हैं, तो 5 दोस्तों के पास 140 रुपये हैं, और वो उसको सबका इकट्ठा कर लिया तो 5 जगह बांटेंगे तो 28 28 सबको मिलेगा। यही होता है मीन। इसके बाद देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। देखिए, मीडियन का मतलब होता है, इसके नाम से पता चलता है, मिड, यानी मीडियन मतलब जो बिल्कुल बीच में आए। इसे साफ भाषा में अगर मैं लिखूँ, यानी जो बिल्कुल बीच में आए। मैं इन 3 नंबरों को उठा लेता हूँ, सर ये जो 5 लिखे हैं मैंने। अब बिल्कुल बीच में आने के लिए आपको जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई होती है ना, उनको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मैंने लिया 10, 10 से बड़ा यहाँ पर फिर 20 है, 20 से बड़ा फिर मेरे को 30, और 30 दो दिखाई दे रहे हैं, और फिर लास्ट में ये 50 है। तो अब ये 5 नंबर है। 5 नंबर में जो आपको सबसे बीच में दिखाई देगा ना, वही आपका मीडियन है। अब यहाँ मुझे दिखा कि ये जो 30 है ये एग्जैक्ट बीच में है, इससे इधर 2 हैं, इसके आगे भी 2 हैं, तो ये इसका मीडियन हो गया। तो इस केस में जो इसका मीडियन बना वो है 30। अब ये जो है ऑब्जर्वेशंस, इनकी जो काउंटिंग है ये ऑड नंबर है, यानी कि ये 5 है, 5 एक ऑड नंबर होता है। तो जब ऑड नंबर होता है तो सेंटर में आपकी एक वैल्यू आती है, वही आपका मीडियन होती है। लेकिन अगर ये इवन नंबर्स होते, यानी कि 5 की जगह फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर होते, मैं एक एग्जांपल बना लेता हूँ कि इस 10 में मैं यहाँ पे एक 8 लगा लेता हूँ, 8 10 20 30 30 और 50। अब तो ये 5 नहीं है, अब ये 6 हो गए, तो इसका मीडियन कितना होगा? अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कोई एक चीज़ तो बीच में दिखाई नहीं दे रही, बीच में कोई एक चीज़ दिखाई नहीं दे रही। तो इस केस में क्या होता है कि आपके 2 नंबर आते हैं जो बिल्कुल सेंटर में आते हैं। यहाँ से ये 2 चीज़ें रह गई, यहाँ से ये 2 रह गया। तो जब भी आपके ऑब्जर्वेशंस का काउंटिंग इवन नंबर हो तो आपके बिल्कुल सेंटर में 2 नंबर आएंगे। अब 2 मीन तो नहीं हो सकते ना, ये नंबर तो आ गए, ये दोनों मीन नहीं हो सकते। तो इस केस में मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इन दोनों का सम कर लेंगे और फिर इसको टू से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका एवरेज निकाल लेंगे। सॉरी, मीन नहीं, मैं मीडियन निकाल रहा हूं। तो इसका मीडियन निकालने के लिए हम इन दो नंबरों का एवरेज कर लेंगे। तो 20 और 30 बन गया 50, 50 बाय 2 यानी कि 25। तो इस केस में जो मीडियन होगा वो 25 होगा। इसके बाद आते हैं मोड पे। मोड का सीधा सा मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आए, कोई भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हो उनमें जो सबसे ज्यादा बार आए वही आपका मोड है। इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, ये 5 नंबर हैं, इनमें 10 एक बार है, 20 एक बार है, 30 दो बार है और 50 एक बार है। तो 30 जो है ना सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि दो बार आ रहा है, तो इसका जो मोड हो गया वो हो गया 30। तो ये तो मीन, मीडियन, मोड, ये आपने पिछली क्लासेस में किए हुए हैं, मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताएं ताकि आपका ये रिवीजन हो जाए। अब इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, इनके बीच में, तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर होता है मोड प्लस 2 ऑफ मीन। ये इनमें रिलेशन भी होता है। तो ये जो निकाले हैं ये अनग्रुप्ड डाटा के हैं, लेकिन 10th में आपको करना है ग्रुप्ड डाटा। तो अब ग्रुप डाटा समझ लेते हैं कि ग्रुप डाटा से किस तरह से चीजें निकलती हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है अपने पास से। मार्क्स ऑब्टेंड बाय 15 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 50 आर गिवन। ये जो मार्क्स हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इंग्लिश के, और जो एग्जाम है आउट ऑफ 50, 50 में से ये मार्क्स दे रखे हैं। तो पहले बच्चे के 24 मार्क्स हैं, फिर 12 है, फिर 29 है, इसी तरह से करते करते ये 15 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। तो ये जो मार्क्स दिए हुए हैं, अब ये तो ग्रुप नहीं है, इसको ग्रुप बनाना होगा। तो ग्रुप बनाने के लिए हमको इसमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मैं लिख लूँगा कि 0 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20 तक के कितने बच्चों के मार्क्स आए, वो होता है ग्रुप। चलिए, तो ये जो ग्रुप हम बनाते हैं इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो यहां पे मैं ग्रुप बना रहा हूं 10-10 का, 0 से 10 जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उन्हें मैं यहां पे लिखूंगा इस ग्रुप में, 10 से 20 जिनके मार्क्स आएंगे उन्हें मैं एक ग्रुप में ले लूंगा, फिर 20 से लेके 30 तक वाले इस ग्रुप में, 30 से 40 वाले इस ग्रुप में, और 40 से 50 वाले इस ग्रुप के अंदर। 50 तक का ये एग्जाम था। चलिए अब देखते हैं किन ग्रुप में आएगा कौन कौन। मैं टैली मार्क्स बना लेता हूँ। टैली मार्क्स आपने किया है छोटी क्लास में, रफ तरह का काम होता है ये। तो पहले बच्चे के 24 नंबर हैं, तो 24 इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा? 24 आएगा इस वाले ग्रुप में, 20 से 30 के बीच में 24 वाला आएगा। तो यहाँ मैं कि टैली मार्क्स का निशान लगा लेता हूँ, इसको मैंने लिख लिया तो ये टिक कर दिया। 12 आएगा मेरा 10 और 20 के बीच में, तो यहाँ मैंने ये कर लिया, इसको मैंने एंटर कर लिया। ऐसे 29 आएगा 20 और 30 के बीच में, ये यहाँ आएगा। 44 आएगा 40 और 50 के बीच में, 21 आएगा 20 और 30 के बीच में, 29 आएगा यहीं पे 20 और 30 के बीच में, 47 आएगा 40 और 50 के बीच में, 31 आएगा 30 और 40 के बीच में, फिर 23 20 और 30 के बीच में। तो जब यहाँ 4 हो जाते हैं और पांचवा हमें करना होता है तो ऐसे डंडा खींचते हैं, ये पेयर बन जाता है। तो 23 एंटर कर दिया। 10 10 आएगा मेरा सेकंड ग्रुप में। अब यहाँ एक नई चीज़ सीखेंगे आप, वैसे नई नहीं है आपके लिए। देखिए, ये जो 10 है ना, यहाँ पे दो जगह लिखा हुआ है, 0 to 10 और 10 to 20। तो आप याद रखेंगे ये 10 यहाँ पे नहीं आएगा, ये कंटिन्यूअस ग्रुप है, यानी 0 से 10 और फिर 10 से 20। तो इसमें जो अपर वाली लिमिट है ना वो इंक्लूड नहीं की जा सकती है। तो 10 अगर आएगा कहीं पे तो वो 0 से 10 में नहीं ले सकते उसको, हम उसे लेंगे 10 to 20 वाले ग्रुप में। ये आपको याद रखनी है ये बात। तो ये मैंने 10 इसमें ले लिया। 4 आएगा मेरा 0 to 10 में, 9 भी 0 to 10 में आएगा, 15 आएगा 10 to 20 में,
36 आएगा 30 to 40 में, 41 आएगा 40 to 50 में। ये मैंने एक रफ काम कर लिया, इसे टैली मार्क्स बोलते हैं। हम फाइनल वैल्यू लिखने से पहले हम ये एक रफ तरह का काम कर लेते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में मैं लिखूंगा इनकी फ्रीक्वेंसी, जिसे मैं F5 से डिनोट करता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी बार आई है। तो 0 से 10 तक 2, 10 to 20 3, ये 5 है, ये 2 आया और ये 3 आया, ये फ्रीक्वेंसी है। यहां से 0 से 10, 10 to 20। अब इसके अंदर आपको एक क्लास मार्क्स निकालना पड़ता है। क्लास मार्क्स भी बताता हूं कि क्या होता है। क्लास मार्क्स एक मिड वैल्यू होती है, जैसे 0 से 10, 0 से 10 के बीच की एक वैल्यू होती है। और ये निकलती कैसे है, ये दोनों जो लिमिट्स होती हैं यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10/2 इज इक्वल टू 5। ये क्लास मार्क्स निकालने का तरीका है। इसे हम xi से भी डिनोट करते हैं, तो ये आ गया 5। ऐसे 10 to 20, जब 10 और 20 का सम करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30/2 आ गया और ये 15 आ गया। 20 और 30 का सम 50 आ गया, 50 का हाफ 25 आ गया। 30, 40, 70, 70 का हाफ 35 आ गया। 40, 50, 90, 90 का हाफ 45 आ गया। अब इस क्लास मार्क्स की एक खासियत होती है कि जितना गैप आपके क्लास इंटरवल के अंदर होता है, उतना ही गैप क्लास मार्क्स के अंदर भी होता है। अगर आप पहली दूसरी निकाल लें तो अपनों आपको पता चल जाएगा कि 10 का गैप है। डायरेक्ट फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं मीन पे। देखिए, मीन निकालने के लिए आपको जब ग्रुप डाटा होता है तो मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ F5 XI अपॉन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे समेशन का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब समेशन होता है, यानी इनका सम करना होता है। तो यहां सम किसका करना है, F5 XI का। तो हमें F5 और XI निकालने पड़ेंगे, उसके लिए मैंने बॉक्स बनाया है। अब अपने F5 पे देखेंगे और XI पे देखेंगे और इनका करेंगे हम प्रोडक्ट। तो 2 5s are 10 आ गया, 15 3s are 45 आ गया, 25 5s are 125 आ गया, और ये 35 2s are 70 आ गया, 45 3s are 135 आ गया। ये तो F5 XI है, लेकिन इनका करना है सम, तो इनका सम यहाँ कर देते हैं। इन सब को प्लस कर देंगे आप। जब इन सबको प्लस किया गया तो ये आया 385। तो अपने फॉर्मूले में लिख लेंगे 385। और नीचे है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो ये है, लेकिन इनका सम भी करना है, तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है कि ये 15 बच्चों की बात चल रही है तो 15 ही आएगा, तो इनका सम करेंगे तो ये 15 आएगा। अब इसे कर देंगे हम 15 से डिवाइड। जब इसे आप 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.66। तो यही मीन है। मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया ना, इस तरीके का नाम है डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, और ये वाला जो मेथड है ये आपका सबसे पहला मेथड है। इसके बाद दो मेथड और है मीन निकालने के, वो इससे थोड़े एडवांस हैं। एक का नाम है सेकंड वाले का एज्यूम्ड मीन मेथड, और फिर है स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये मेथड अलग अलग क्यों है ये भी मैं बताता हूं। देखिए, जब आपके नंबर छोटे होते हैं तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो फिर आप एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। और नंबर्स अगर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनके अंदर कोई चीज कॉमन आ सकती है जिससे हमारा सॉल्यूशन करना आसान हो जाए कैलकुलेशन, तो फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड का भी हम यूज करते हैं। तो आने वाली जो वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको हर एक वीडियो में एक एक तरह से करके क्वेश्चन को दिखाऊंगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम एक्सरसाइज का, वो करेंगे एक बार डायरेक्ट मेथड से, इसी मेथड से। फिर उससे नेक्स्ट एक में एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो में स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लेंगे। तो मीन जो है बस यही है, मीन के यही तरीके हैं। उसके बाद जो मोड और मीडियन आएंगे, उनके आपके कोई डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल तरीके नहीं है। उसमें जो ग्रुप डाटा का मीन और मोड होता है वो एक ही तरीके से निकलता है, तो वो बड़े आसान होते हैं। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का आपका ये इंट्रोडक्शन था।
नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।